मॉर्निंग पादरी का पाठ। जीसस का यह प्रसिद्ध कथन आपको शायद याद ही होगा कि कोई तुम्हारे गाल पर चाटा मारे तो तुरंत दूसरा गाल उसके सामने धर देना। अब इसका अर्थ क्या है और ऐसा कहने के पीछे छिपी जीसस की भावना क्या है, यह समझाने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यह बात पादरियों को कौन समझाए। सो एक दिन जीसस के इस शुक्र ने बड़ा ही कमाल सीन जमा दिया। हुआ यह है कि उस दिन एक पादरी चर्च में जीसस के इसी शुक्र पर प्रवचन देने वाला था। इस होने वाले प्रवचन का प्रचार प्रसार भी बड़े जोरों से हुआ था। यह तो ठीक, पर एक उपद्रवी को यह बात समझ भी नहीं आई, कोई चाटा मारे तो मैं दूसरा गाल कैसे भर सकता हूँ। उसने सोचा होगा, चलकर ही देख लिया जाए। तो वह भी समय से चर्च में पहुंच गया। वहां नियत समय पर पादरी ने अपना प्रवचन प्रारंभ कर दिया। उपदेश उसने वाकई बड़ा मार्मिक दिया था और सूत्र के बखान तो ऐसे किए थे मानो यह सूत्र उन्हीं के जहन से निकला हो। एक बार को तो उनका शानदार प्रवचन सुन वह उपद्रवी भी चौंक गया, लेकिन फिर भी था वह बड़ा पक्का। उसने सोचा, कह तो पादरी ठीक ही रहा है, परंतु क्यों न तसल्ली भी कर ली जाए, इसमें हर्ज ही क्या है। बस प्रवचन खत्म होते ही वह पादरी के पास पहुंच गया और वहीं सबके सामने दंडनाते हुए उसने पादरी के गाल पर एक चाटा धर दिया। भीतर तक उबास खा गया, भीड़ भी स्तब्ध रह गई। हालांकि पादरी होशियार था, वह जानता था कि अभी अभी ही उसने प्रवचन दिया है तो गड़बड़ तो नहीं कर रही। उसने तक्षण मुस्कुराते हुए दूसरा गाल आगे धर दिया। यह देख एक बार को तो उस उपद्रवी को कुछ समझ में आना ही बंद हो गया, लेकिन जल्द ही संभल भी गया। वह भी उतना ही पक्का था। उसने सोचा, जब तसल्ली करनी है तो पूरी क्यों न कर ली जाए, आधा काम अच्छा नहीं होता। उसने दूसरे गाल पर और कस के एक चाटा जड़ दिया। अब की पादरी से नहीं रहा गया, उसने उसे खूब पीटा। वह उपद्रवी चिल्लाता रह गया कि अभी अभी तो तुम जीसस का सूत्र बता रहे थे और अब ऐसी हिंसा। उधर उसको पीटते पीटते ही पादरी बोला, जीसस ने जो कहा था उसका मैंने पालन नहीं किया, मैंने दूसरा गाल धरा भी, परंतु उसके बाद क्या करना है इसकी जीसस ने कोई चर्चा की नहीं। दरअसल मनुष्य जीवन सिवाय मन के और कुछ नहीं है और मन का गणित एकदम साफ है। वहाँ कोई चीज मानने या न मानने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जो है उससे विपरीत दिखाने की कोशिश मन की सारी विकृतियों की जड़ है। उसका यह विपरीत दिखाना या फिर जो है उससे बेहतर दिखने की होड़ में पड़ना, यह सब उसकी बुद्धि की उपज है। थैंक यू।